धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। देश की सुरक्षा को मजबूती देने वाले नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी विधेयक 2019 पर चर्चा में मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद मानता हूँ। दरअसल NIA 2008 के कानून में और संशोधन करने के लिए लाया गया ये विधेयक एक तरह से 26/11 के मुंबई के आतंकी हमले में शहीद हुए सैकड़ों भारतीय नागरिक के प्रति श्रद्धांजलि है। जब 2008 में मुंबई में आतंकी हमलों के बाद इस तरह के आतंकी हमले और देश विरोधी गतिविधियों पर रोकथाम लाने के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 का निर्माण किया और NIA का गठन भी हुआ। आज इस विधेयक में हो रहे संशोधन के माध्यम से हमारा देश आतंकवाद के खिलाफ और भी कड़े कदम उठाने जा रहा है और ये हर एक भारतीय के लिए ये गर्व की बात है। आदरणीय गृहमंत्री अमित शाह जी द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए ये संशोधन बिल सदन में प्रस्तुत किया गया। मैं शिवसेना की ओर से गृहमंत्री जी का आभार मानता हूँ और इस विधेयक को समर्थन भी करता हूँ। शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे हर बार राष्ट्रहित को सर्वोच्च मानते थे और शिवसेना का 2014 में शिवसेना ने जो गठबंधन किया वो राष्ट्रहित मजबूत करने के लिए किया और माननीय शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव जी ने और राष्ट्रहित मजबूती करने के लिए फिर एक बार 2019 को भी शिवसेना भाजपा का गठबंधन का निर्णय लिया और मजबूत सरकार और मजबूत सुरक्षित राष्ट्र और मजबूत नेतृत्व के लिए हमने ये गठबंधन किया था। आज भाजपा शिवसेना सरकार के पहले ही अधिवेशन इस संशोधन विधेयक को लाकर NDA सरकार ने फिर एक बार अपना रुख स्पष्ट किया कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है, राष्ट्र हित से बढ़कर कुछ नहीं, ये अभी NDA सरकार ने इस बिल के माध्यम से दिखाया। अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन की जरूरत और उपलब्धियों पर बात करने से पहले पिछले 10 साल का NIA का परफॉर्मेंस संक्षेप में रखना चाहता हूँ। मुझे कहते हुए गर्व होता है कि NIA की ओर से इन्वेस्टिगेट किए हुए मामलों का कन्विक्शन रेट 95% से भी ज्यादा है। NIA की ओर से अबू जिंदाल, यासिन भटकल जैसे कई आतंकियों की धरपकड़ का मार्ग प्रशस्त हुआ। इंडियन मुजाहिदीन जैसे कई आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया, कुछ समय पहले अलगवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया। देश के हित के लिए काम करने वाले हमारी NIA को आतंकी गतिविधियों को रोकथाम लगाने के मामले में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, इसी कारण इस संशोधन विधेयक के लाने की आवश्यकता हुई। NIA एक्ट को और सशक्त करने के लिए इसमें संशोधन करना अत्यंत आवश्यक हो रहा था, इसी कारण इसमें कुछ प्रोविजन की आवश्यकता थी। इस संशोधन की वजह से केवल संगठन की नहीं आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले किसी एक व्यक्ति के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। ये हमारे भाइयों को पता चलना चाहिए कि जो बढ़ावा देते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। इस विधेयक के माध्यम से भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले व्यक्ति जो आतंकी संगठनों से जुड़े हैं वह देश के किसी भी कोने में होगा या किसी दूसरे देश में होगा, फिर भी NIA के अधिकारी उसके खिलाफ शिकंजा कस पाएंगे और उचित कार्रवाई कर पाएंगे। हमारे देश के खिलाफ साजिश रचने वाले आतंकी विश्व के किसी भी देश में हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना अब NIA के लिए आसान होगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फेक करेंसी, गैर कानूनी तरीके से शस्त्रों के लेन देन और सबसे महत्वपूर्ण साइबर क्राइम, इन सभी को खत्म करने के लिए NIA को ताकत देने वाला यह संशोधन विधेयक राष्ट्र की सुरक्षा में क्रांतिकारी कदम साबित होता है। अध्यक्ष जी, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम भी आवश्यक है। मादक पदार्थों की तस्करी, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच घनिष्ठ संबंध को देखते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की प्रभावशीलता में सुधार करना भी, हथियारों की खरीद के वित्त और चैनल के दृश्य और अदृश्य माओवादी स्रोत है जो उच्च प्राथमिकता के लायक है। कुछ तथाकथित NGO और थिंक टैंक जो गुप्त रूप से बहुत कुशलता से काम करते हैं उन्हें सामाजिक क्रांतिकारियों के रूप में पेश करके बौद्धिक और वैचारिक प्राण के स्थान चरमपंथी प्रदान करते हैं। ऐसे संगठनों और लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए क्योंकि वे आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में बाधा डालने के लिए उतने ही दोषी है जितने लोग अध्यक्ष में देख रहे हैं। वर्षों से चली आ रही लचर आपराधिक न्याय प्रणाली और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, अपराधी पुलिस और राजनेताओं के बीच सांठगांठ के कारण, जिससे परिणाम स्वरूप संगठित अपराध ब्यूरोक्रेटिक चलता है। भारत की अधिकांश आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां राज्य केंद्रित है। जम्मू कश्मीर में प्रायोजित अलगवाद, उग्रवाद, पूर्वोत्तर के राज्यों में नक्सली और सांस्कृतिक अशांति, पंजाब में हिंसा माओवादी द्वारा पूर्वी समुद्री बोर्ड और अन्य लोगों में फैलने की बात 1947 से इसकी व्यापक शुरुआत हुई है, जबकि इनमें कुछ बाहरी प्रायोजित और समर्थित अन्य राजनीतिक कुप्रबंधन, शासन की कमी और भ्रष्टाचार के उत्पाद है। आज अधिकांश राज्यों में स्थिति संतोषजनक नहीं है। चीन के साथ भी वास्तविक नियंत्रण रेखा इससे कमी है।
इसके लिए अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्राथमिक खतरों का सामना करता बाहरी रूप से पाकिस्तान के साथ उसका संघर्ष प्रतिस्पर्धी भूरजनीतिक हितों की कड़वी ऐतिहासिक विरासत में प्रेरित है। भविष्य में भारत सरकार को इन बाधाओं और भीतर काम करना होगा। कश्मीर पर तनाव भविष्य में भी जारी रहेगा। आंतरिक रूप से भारत को कई अलगवादी यूटोपियन आंदोलनों का सामना करता है, इनमें जिनमें से सबसे प्रमुख माओवादी नक्सली है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में सबसे अधिक नक्सली गतिविधियां होती है, जिनको रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। अपनी वाणी को विराम देते फिर एक बार गृहमंत्री जी का मैं धन्यवाद मानता हूँ।